आज से लगभग 1000 साल पहले इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह मंदिर मुख्य रूप से कामुक मूर्तियों के लिए, चित्रकारी के लिए, शिल्पकलाओं के लिए जाना जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में मत्था टेकने के बाद हम निकल पड़े थे खजुराहो की तरफ। आज हमारी ट्रिप का तीसरा दिन था। खजुराहो बागेश्वर धाम से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल मध्य प्रदेश का खजुराहो 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। बागेश्वर धाम ट्रिप पर आज हमारा दूसरा दिन है, माफ कीजिएगा, तीसरा दिन है। और अब जो है यहाँ से हम दर्शन करने के बाद आगे की तरफ निकले हैं और जो अगला स्टॉपेज हमारा होने वाला है वो होगा खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन मंदिरों को, उनके निर्माण की शैलियों को, वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। लगभग यहाँ से खजुराहो की दूरी 15 से 20 किलोमीटर है। तो इस वक्त हमारी ट्रिप में हम आ चुके हैं खजुराहो के मंदिरों में, और अभी जिस मंदिर में खड़े हैं इस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में बताया जाता है और कहा जाता है कि चंदेल वंशों के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन सबसे अनोखी बात इसकी ये है कि चंदेलों के किसी भी शिलालेख में इस मंदिर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा ये कि 64 योगिनियों के जो मंदिर भारत में मौजूद हैं उसमें ये मंदिर सबसे अनोखा है, क्योंकि भारत में जितने भी 64 योगिनियों के मंदिर निर्मित हैं वो सभी गोलाकार आकृति में निर्मित हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा मंदिर है जो आयताकार आकृति में बनाया गया है। इस मंदिर से ब्रह्माणी, महिषासुर मर्दिनी आदि देवियों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में इस मंदिर में मौजूद नहीं है, लेकिन खजुराहो के संग्रहालय में रखी हुई है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण आज से लगभग 1000 साल पहले चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। खजुराहो के मंदिरों की भव्यता सुंदर था और पत्थरों पर बारीक नक्काशी और खूबसूरत प्रतिमाओं के कारण इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिरों का प्रमुख तौर पर कामुक प्रतिमाओं के लिए जाना जाता है, मतलब ऐसी मूर्तियां जो यौन गतिविधियों या क्रियाओं को दर्शाती है। अक्सर सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो मंदिरों की दीवारों पर इस तरह की मूर्तियों को बनवाया गया। इसके पीछे कई मत, मान्यताएं और कहानियां हैं जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि मंदिरों पर मौजूद प्रतिमाओं में से सिर्फ 10% मूर्तियाँ ही ऐसी है जो यौन क्रियाओं से संबंधित है। बाकी 90% मूर्तियाँ धर्म, संस्कृति, जीवन शैली और स्थापत्य कला पर आधारित है। तो ये कहना या मानना पूरी तरह से गलत है कि ये खजुराहो के मंदिर सिर्फ कामुक मूर्तियों के लिए ही जाने जाते हैं। भारत के पर्यटन की सूची में जब हम तमाम स्थलों को देखते हैं तो मध्य प्रदेश का खजुराहो भी उस सूची में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के
हिस्से में आता है और यहाँ पर यह मंदिर मुख्य रूप से कामुक मूर्तियों के लिए, चित्रकारी के लिए, शिल्पकलाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम मंदिरों पर बनी हुई जो मूर्तियाँ हैं उनमें 10% मूर्तियाँ ही ऐसी है जो यौन गतिविधियों को दर्शाती है। बाकी की जितनी 90% मूर्तियाँ हैं वो यहाँ की लोकल जीवन शैली और यहाँ के क्रियाकलाप, उस वक्त की सेनाओं आदि के बारे में दर्शाती हुई मूर्तियाँ हैं। और यहाँ के मंदिर की जो बनावट है वो अंदर से समान है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको एक गलियारा मिलेगा, बीच में आपको एक बड़ा सा मंडप टाइप एक चौक मिलेगा और उसके बाद जो गर्भगृह है वहाँ पे बनावट एक जैसी है लेकिन भगवान की मूर्तियों में परिवर्तन है। किसी मंदिर में आपको सूर्य देव की मूर्ति मिलेगी, किसी में शिव भगवान की मूर्ति मिलेगी, किसी में आपको माता पार्वती की मूर्ति मिलेगी। और इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग मंदिर हैं और जब इन मंदिरों का निर्माण हुआ था तब इनकी संख्या 85 थी लेकिन वर्तमान में यह मंदिर सिर्फ 22 रह गए हैं। समय के साथ धीरे धीरे इनका ह्रास होता जा रहा है। मंदिरों की बनावट की बात करें तो यहां मौजूद मंदिरों की भीतरी बनावट लगभग एक समान है, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ जब मंदिर में जाते हैं तो अंदर जाने के लिए एक गलियारा नुमा रास्ता है, फिर चार खंभों वाला मंडप और आखिर में गर्भगृह है जिसके चारों ओर परिक्रमा के लिए भी जगह है। खजुराहो के मंदिर भारत की सुंदर कलात्मक शैली और इंजीनियरिंग का अप्रतिम उदाहरण है। 1000 साल पहले इस तरह के मंदिरों को बनाना और बनवाना इस बात को साबित करता है कि भारत की इंजीनियरिंग आज से 1000 साल पहले भी अपने शीर्ष स्तर पर थी। भारत के अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तरह ही खजुराहो के मंदिरों ने भी विदेशी आक्रमणों के दंश को झेला है। यहाँ के मंदिरों में स्थापित कई मूर्तियों को बाहरी हमलावरों ने तोड़ दिया, उन्हें खंडित कर दिया। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो खजुराहो के मंदिरों की संख्या 85 थी जो अब केवल 22 ही बची है। विभिन्न जल निकायों के साथ 20 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले मंदिरों के समूह अब केवल 6 किलोमीटर की दूरी तक ही सिमट कर रह गए हैं। चंदेल राजा चंद्रवर्मन ने इस स्थान पर 85 महायज्ञ करवाए थे। उन 85 महायज्ञ की वेदियों पर ही 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। उन 85 में से सिर्फ 22 मंदिर वर्तमान में अपने अस्तित्व में हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहों से जाने के बाद मंदिरों का यह निर्माण और इसका दौर थम सा गया। आज से लगभग 1000 साल पहले इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। इन मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनवाया था और इन मंदिरों की दीवारों पर नृत्य, आध्यात्म, प्रेम और कामुक गतिविधियों को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के समय यहाँ पर वाममार्गी तांत्रिकों का प्रभाव था जो योग और भोग को मोक्ष का साधन मानते थे। उसी का परिणाम है कि इन मंदिरों की दीवारों पर ऐसी तमाम मूर्तियां बनाई गई है जो
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो सनातन हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थों को बताया गया है उनका उल्लेख करती है। खजुराहो के मंदिर और इसके इतिहास को लेकर लोगों में अलग अलग मत हैं। खजुराहो के मंदिर को लेकर एक प्रमुख कहानी यहाँ पर स्थानीय लोगों में प्रचलन में है और वो ये कि यहाँ के राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती शाम के समय सरोवर में स्नान करने पहुँची। आकाश मार्ग से गुजरते हुए चंद्रदेव ने जब हेमवती को देखा तो उनका मन विचलित हो उठा और धरती पर आकर उन्होंने हेमवती से प्रणय के लिए निवेदन किया। चंद्रदेव और हेमवती से उत्पन्न पुत्र चंद्रवर्मन बड़ा ही प्रभावशाली राजा हुआ और बाद में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रवर्मन को रात में स्वप्न में उसकी माँ जो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी उन्होंने बताया कि इन मंदिरों का निर्माण करवाओ तो कि ताकि लोगों में ये संदेश जाए, समाज में संदेश जाए कि जीवन में काम भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे वंश वृद्धि और इस जीवन को इस सृष्टि का संचालन चलता रहे, कार्य चलता रहे। तो इस मंदिरों को लेकर अलग अलग मत हैं, अलग अलग मान्यता हैं, लेकिन एक बात तो इन मंदिरों को देखकर स्पष्ट है कि हिंदू सनातन धर्म में बताए गए चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ये मंदिर, इन मंदिरों की दीवारों पर जो कलाकृतियां हैं, आकृतियां हैं, मूर्तियां हैं वो स्पष्ट रूप से वर्णन करती है। आज का हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।